आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि ग्रो ऐप में ऑटो स्कॉर्प चार्जेस क्या होते हैं और कितने लगते हैं। गाइस, अगर आप ग्रो में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ऑटो स्कॉर्प चार्जेस क्या होते हैं और इसमें चार्जेस कितने हमें पे करने पड़ते हैं। अगर आपको ये सब नहीं पता गाइस, तो आपको अच्छा खासा नुकसान हो सकता है स्टॉक मार्केट में। गाइस, तो आगे की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि ऑटो स्कॉर्प चार्जेस किसे कहते हैं, कितने चार्जेस लगते हैं, इसका टाइमिंग क्या होता है, सब चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ गाइस। तो चलिए आगे की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गाइस कि ये व्हाट इज स्क्वायरअप, स्क्वायरअप किसे कहते हैं। तो इंट्राडे में आपको पता होगा कि सेम डे बाय होता है और सेम डे सेल होता है। तो जब हम इंट्राडे में किसी भी शेयर्स को बाय करते हैं तो हमें उसे सेल करना होता है, और शॉर्ट सेलिंग में किसी भी शेयर को जब हम सेल करते हैं तो उसे हमें बाय करना होता है। तो मतलब बाय क्या हुआ, शेयर को सेल करना, और शॉर्ट सेल में सेल क्या हुआ, शेयर को बाय करना ही हमें स्क्वायरअप कहते हैं, मतलब एग्जिट करना को ही स्क्वायरअप कहते हैं गाइस। और जैसे कि आगे की वीडियो में बताऊंगा ऑटो स्कॉर्प किसे कहते हैं, मतलब हमारा जो भी इंट्राडे में पोजीशंस है उसे ब्रोकर के द्वारा स्क्वायरअप कर देना, मतलब ब्रोकर के द्वारा उसे बेच देना, मतलब एग्जिट कर देना, मतलब हमारे शेयर्स को बाय कर लेना या सेल कर देना ऑटोमेटिकली ब्रोकर के द्वारा, तो उसे हम ऑटो स्क्वायरअप कहते हैं गाइस। अब समझते हैं गाइस कि इसके टाइमिंग क्या होती है। तो अगर आप इंट्राडे करते हो तो 3:20 तक की इसकी टाइमिंग होती है, 3:20 के पहले ही आप अपने पोजीशन को एग्जिट कर लो, स्क्वायरअप कर लो, अदरवाइज 3:20 के बाद आपको ब्रोकर के द्वारा आपके पोजीशन को ऑटो स्क्वायरअप कर दिया जाएगा और आपसे एक चार्ज लिया जाएगा गाइस। अब समझते हैं कि इसका चार्ज कितना लगता है, मतलब ग्रो हमसे कितने चार्ज लेता है ऑटो स्क्वायरअप करने का। तो ऑटो स्क्वायरअप करने का ग्रो हमसे 59 रुपीज़ का चार्ज लेती है। अगर ग्रो 3:20 के बाद अगर हमारे पोजीशन को ग्रो के थ्रू ऑटो स्क्वायरअप किया जाता है तब हमसे वो ग्रो चार्ज कर लेती है 59 रुपीज़। तो इन बातों का आपको ध्यान देना जरूरी है गाइस कि ये ऑटो स्क्वायरअप चार्जेस क्या होते हैं और कितने लगते हैं गाइस, कि नेक्स्ट टाइम आपका जो भी लॉस हो आप उसे अपने लॉस को रिकवर कर सको या बचा सको। आई होप गाइस कि आपको वीडियो समझ में आया होगा गाइस, और वीडियो समझ में आया, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट से और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि आपके लिए हम इसी तरह का वीडियो हमेशा ही चैनल पे लाते रहते हैं गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।